Hello everyone, my name is Najish Julekha Chaudhary. I am your zoology mentor and I am here to make your biology super easy with me. I am a postgraduate in biophysics and currently I am pursuing my teacher's training program. I was so sure from the beginning of my academics to be a teacher that I started to take class from my college days, and for this I have more than 6 years of teaching experience in biology. ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैं काफ़ी सारे नेशनल लेवल एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रही थी और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड TIFR JEE जैसे तीन एग्जामिनेशन. तो मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है इन एग्जाम्स के पैटर्न और सिलेबस के बारे में. यही एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए बैक इन 2020 आई फाउंडेड माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट वेर आई हैव बीन मेंटरिंग More than 50 plus aspirants of NEET UG IIT JAM and several foundation scores successfully since past 2 years. I have also 2 years experience as a subject matter expert in biology in 5 different edtech companies. From that, I gained the expertise in exam planning, content preparing and strategical preparation. And in total, I have a total 2 plus years experience for mentoring zoology of NEET aspirants. Few months back, I have been hired as a genetics tutor at Dorabhai Private Limited. I am also available at YouTube on my own YouTube channel, which is Science Wizard. You can access all my contents, videos regarding biology from the official channel of Dorabhai Private Limited and also from my YouTube channel. I am a tech-savvy person and I have a quality to easily connect with my students and help them to clear their conceptual background with easy logics. Recently, I have also qualified WB TET examination. This is all about me. आइए आगे बात करते हैं. My friends, in the upcoming 2 months, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ NEET UG के zoology के whole syllabus को, NEET UG के zoology के part को. Clear my friends? जिसके लिए मुझे total 90 से 100 आवर्स का एक कोर्स प्लान बनाया है. पर इस कंटेंट में आपको नया क्या मिलने वाला है? आई हैव प्रिपेयर्ड सम इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स फॉर यू फॉर योर ओन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. हम हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पजल्स, न्यूमोनिक्स एंड पिक्चर के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. आफ्टर क्लियरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक हम उसी टॉपिक का PYQ सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग द PYQ वी मूव फॉरवर्ड टू द मॉक टेस्ट. हम इंडिविजुअल मॉक टेस्ट लगाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक. आफ्टर द मॉक टेस्ट वी हैव द पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस जिसमें आपके मार्क्स को और आपके मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली एलाबोरेटली डिस्कस किया जाएगा. एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन एनालिसिस we will conduct a separate doubt solving class for the particular mock test. इस तरीके से हम पूरे 90 से 100 आवर्स के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं और हम कवर करेंगे कंप्लीट जूलॉजी, स्पेशली हमारे जूलॉजी का 12th का सिलेबस. तो आइए थोड़ा इलाबोरेटली देखते हैं कि हम नीट बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ नीट बायोलॉजी का, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. दिस इज ऑल अबाउट 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, 12th स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ नीट. ये पूरे कंटेंट में कवर करने वाली हूँ. जेनेटिक्स मैंने सबसे पहले रखा है क्योंकि हर साल इस हेरिडिटी और वेरिएशन में से आपको लगभग 2 क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं. इन शॉर्ट, दिस जेनेटिक पोर्शन कवर टोटल 13% वेटेज ऑफ द टोटल नीट UG एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी सिलेबस. इसीलिए मैंने जेनेटिक्स को सबसे पहले रखा है. जेनेटिक्स में हम पढ़ लेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन को.
आफ्टर कंप्लीटिंग द जेनेटिक्स वी विल मूव फॉरवर्ड टू रिप्रोडक्शन पार्ट. रिप्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे दोस्तों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड टॉपिक, हम पढ़ लेंगे यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज. हमें पढ़ना है यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज के बारे में. फिर हम पढ़ लेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर. दोस्तों इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि मैं सारे लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में लेने वाली हूँ. इन शॉर्ट आपका ये सेशन पूरा बाइलिंगुअल रहने वाला है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए दोस्तों. और मैंने पांचों यूनिट्स को आपके 50 to 20 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, 50 to 20 क्लासेस, ताकि पांचों यूनिट्स हम 100 आवर्स में कवर कर लें. और क्या रहने वाला है, ये पूरा कोर्स आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है, मतलब इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में. क्लियर है? नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ लेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. माय फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा माइंड मैप प्रोड्यूस किया है, माइंड मैप बना के रखा है, जिस माइंड मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोमोसोम और जीन्स क्या है. हम आगे के सारे टॉपिक्स इसी तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये क्या है, डबल हेलिकल डीएनए. क्या है दोस्तों, ये डबल हेलिकल डीएनए. वेरी गुड. इस डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन में हमारा जीन. तो जीन क्या है बच्चों, जीन है स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए, जिससे हमारा क्या बन सके, एक फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट बन सके. फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट या फंक्शनल एमआरएनए बन सके, उसे हम कह देंगे जीन्स. जीन्स में हमारा इंट्रॉन भी होता है, एक्सॉन भी होता है. इंट्रॉन्स एमआरएनए प्रोसेसिंग के दौरान छट जाते हैं. तो डीएनए के पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन को हम जीन्स कह देंगे. और ये डीएनए कंडेंस्ड होके बना देता है क्रोमेटिन. क्या बना देता है, क्रोमेटिन. ये क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट होता है, अनवाइंड होके क्रोमेटिन खुल जाता है और अपने अमाउंट को डबल करके एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. इस नॉट लाइक स्ट्रक्चर का नाम है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम. तो डीएनए फोल्ड होके बना देता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन डुप्लीकेट होके नॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम. तो इन शॉर्ट क्रोमोसोम के स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही जीन्स होते हैं. और ह्यूमन बॉडी में जो टोटल डीएनए है, उस पूरे डीएनए को जो 3 मिलियन बेस पेयर से बना हुआ है दोस्तों, उसे हम कह देते हैं जीनोम. द होल डीएनए ऑफ ह्यूमन और द होल डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज जीनोम. आप ये वाला पिक्चर भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी एक माइंड मैप ही है. डीएनए के बाद आता है जीन, उसके बाद आता है क्रोमोसोम और होल क्रोमोसोम को हम कह देंगे जीनोम. ओके माय फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है तो आइए इसके रिलेटेड PYQs हम सॉल्व करते हैं. द कंप्लीट कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए, अभी बताया, जस्ट अभी बताया, क्या हो जाएगा, जीनोम. वेरी गुड. नेक्स्ट, सेलुलर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन, सेलुलर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन, सेलुलर डीएनए कंडेंस्ड होके क्रोमेटिन, क्रोमेटिन
रेप्लिकेशन के दौरान डबल होके बना देता है नॉट लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कह देते हैं क्रोमोजोम। तो सेलुलर डीएनए ऑर्गेनाइज कहाँ पे रहता है दोस्तों? क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम में। वेरी गुड। नेक्स्ट, दैट्स हैव स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन क्रोमोजोम। स्पेसिफिक प्लेसेस किन का रहता है डीएनए में? अभी अभी डिस्कस किया हमने जीन्स का, जीन्स का। तो ये वेरी सिंपल है दोस्तों, दिस इज वेरी सिंपल। हम इसी तरीके से माइंड मैप के जरिए बाकी सारे नीट जियोलॉजी वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू नीड, देन यू कैन मेल मी एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फोन नंबर। टिल देन, थैंक यू।